स्वागत है आप सभी का वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावन के पहले सोमवार के दिन अपने निवास में हर घर हरियाली अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, रुद्राक्ष का पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। हर घर हरियाली अभियान की उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में स्थापित मतदान केंद्र में मतदान किया। बता दें कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी। इसके बाद एक एक करके विधायकों का वोट डालने का क्रम शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत के अलावा सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव डहरिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा विपक्षी विधायकों में नारायण चंदेल सहित अन्य विधायकों ने भी वोट डाले। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के मतदान केंद्र में पहला वोट कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधायक नारायण चंदेल ने डाला। बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से पहला मत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ही डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश सरकार झूठी है, लबरी है। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में 36 वादे किए थे, लेकिन 3 साल बाद भी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही ये तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार झूठी है, लबरी है और इस बात का आरोप हम लोग विपक्षी पार्टी के नाते लगाते रहे हैं। जो 36 वादे इन्होंने 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में किए थे, आज 3.5 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज इन्हीं के एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है और इस नाते ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोंडागांव में नगर के प्रमुख मार्ग में से एक कहे जाने वाले बाजार पारा वार्ड की सड़कों की स्थिति खराब है। वार्ड पार्षद के घर के सामने से गुजरने वाली सड़क की स्थिति कितनी खराब है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। साप्ताहिक बाजार में हजारों की संख्या में लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं। स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए भी ये सड़क मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश में तो इस सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है। मुंगेली के मल्हापारा में स्थित शंकर मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 700 से 800 साल पुराना है और इस मंदिर से काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही सावन माह और महाशिवरात्रि के पर्व पर इस मंदिर में शहर के अलावा और भी आसपास के लोग काफी तादाद में आते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में खेमगिरी बाबा की समाधि है, करीब 200 साल पुरानी है। बताया जाता है कि खेमगिरी बाबा के द्वारा मुंगेली, बारो और रायपुर में समान ऊंचाई वाले मंदिरों का निर्माण कराया गया था और उन्हीं की जिंदा समाधि मल्हारपारा मंदिर में स्थित है। जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, मेरे को 16-17 साल हो गया यहाँ है और मैं तभी से यहाँ पूजन पाठ करने आते रहती हूँ। सावन में खासकर यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा उत्सव रहता है, यहाँ का उत्सव बहुत अच्छा रहता है। यहाँ मैं पूजा करने हमेशा ही आते रहती हूँ। ये शंकर मंदिर करीब करीब 700-800 पुराना साल का है, जिसमें बड़े बड़े बुजुर्ग भी नहीं बता पा रहे हैं कि मंदिर कब का है। वहाँ से हम बच्चों का सब मिलजुल करके मंदिर में कुछ खंडहर हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार करने के बाद ये करीब हमारे उम्र के हिसाब से 54-55 से हम यहाँ जीर्णोद्धार शुरू किए हैं और उस उत्सव से
राम धुनी का और प्रभात फेरी का इस प्रकार के काम करके जीर्णोद्धार किए हैं। जीर्णोद्धार करने के बाद में यहाँ राम धुनी बहुत प्रचंड रूप से चर्चा रहा था। उनका पर्व जो कि हमारे मल्हापारा शंकर मंदिर में कुछ इस प्रकार मनाया जाता है, जो कि खेमगिर बाबा का जिंदा समाधि है यहाँ पे, और भोलेनाथ की जो मंदिर है वह वर्षों पुरानी है, जिसको हमारे बुजुर्ग भी नहीं बता पाए कि अभी डेट में कितने वर्ष की है। अभी मंदिर को हम लोग नवीनीकरण कराकर कुछ मंदिर में नए कर रहे हैं, और नए के साथ साथ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और भीड़ बढ़ रही तो ऐसा है कि दर्शन करने वाले सुबह तो अभी कम है, शाम होते होते लगभग दिन में 3-4 हज़ार की पब्लिक की दर्शन रोजाना होती है। रायपुर के चटौत में ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश देवांगन शामिल हुए। जनपद पंचायत अध्यक्ष अखिलेश देवांगन ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हर घर में हरियाली लाने के लिए एक वृक्ष लगाना जरूरी हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशरी मोहन साहू समेत कई लोगों ने की। जगदलपुर के कैलाश धाम डोंगरी में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भारी बारिश में भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी की आराधना और रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सब मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही सावन के सोमवार का व्रत विशेष फलदायी माना गया है, खास तौर पर कुंवारी कन्याओं और शादीशुदा महिलाओं के लिए। जांजगीर के खरौद लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को ही भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग की महिमा, इसे छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है। शिवलिंग को 8वीं सदी का बताया जाता है। यहाँ के पंडित द्वारा बताया गया कि इस शिवलिंग का निर्माण लक्ष्मण जी द्वारा किया गया था, जिससे इसका नाम लखनेश्वर पड़ा था, जिसे आज हम लक्ष्मणेश्वर कहते हैं। तो जांजगीर चांपा में लक्ष्मणेश्वर मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मणेश्वर पड़ा है। मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन अर्चन के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब सावन सोमवार होता है तो खास तौर पर जब लोग विशेष व्रत रखते हैं तो इस मंदिर में भीड़ ज्यादा नजर आती है। ये छत्तीसगढ़ की काशी है, ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित है। इसमें लाख छिद्र है, छोटा बड़ा छिद्र मिला के 1 लाख शिवलिंग है, इसलिए यहाँ जो पूजा है लाख की मात्रा में की जाती है। श्रद्धालु यहाँ लाख बेलपत्र, लाख काला तिल, लाख श्यामल के मात्रा में पूजा करते हैं। इसमें छोटे बड़े छिद्र 1 लाख होने की वजह से इसे लक्ष्मणेश्वर भी कहते हैं, और लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित इसलिए लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहते हैं। करीब यह शिवलिंग कब का, कौन से युग का है? यह शिवलिंग 8वीं सदी त्रेता युग की मूर्ति मानी जाती है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ, जिसमें विधानसभा के सभी 230 विधायकों ने मतदान किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि पूरा मतदान शांतिपूर्वक हुआ है और सत्ता पक्ष समेत विपक्ष दोनों के ही सभी विधायकों ने पहुंचकर यहां पर मतदान किया है और सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं विधायक सचिन बिरला के द्वारा मीडिया में वोट डालने के बाद अपने वोट का खुलासा करने को लेकर अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि वोट डालने के बाद कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारे यहाँ पूरी गोपनीयता के साथ मतदान किया गया। उसका मतदान बूथ के आने के बाद फिर वो स्वतंत्र नागरिक है, वो कह रहा है कि नहीं कह रहा है ये हमारी जानकारी में तो नहीं है, उसका ना हम लोगों का कोई वो है। हमारा दायित्व है कि वो शांति से, निष्पक्ष रूप से, गोपनीयता के साथ अपना मत वहाँ दे दे। तो वहाँ सारे सदस्यों ने पूरी गोपनीयता बरती, ना किसी को दिखाया, ना कोई अनियमितता की, और जिस तरह से सिस्टम बना हुआ था चुनाव आयोग के जो निर्देश थे उसका सभी ने पालन करते हुए और अपने उसमें भाग लिया, तो इसलिए पूरी उसके साथ संपन्न हुई है कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह सीट से विधायक सचिन बिरला ने भी विधानसभा पहुंचकर राष्ट्रपति के लिए मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया से चर्चा में सचिन बिरला ने कहा कि उन्होंने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण था,
देश के सबसे गरीब वर्गों को इस बार मौका मिला है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम नोट किया है। अच्छा, ये बड़ा असमंजस है कि आप कांग्रेस में हैं कि बीजेपी में हैं। अभी बीजेपी में हूँ सर। बड़ा ये भी, लेकिन सर विधानसभा जो है उसके अनुसार माना जाए तो अभी कांग्रेस के विधायक के रूप में है अभी तक, तो सर क्या पार्टी से बगावत करी है आपने? अभी मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में हूँ अभी। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद खलघाट में यात्रियों से भरी एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 55 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अब तक कई लोगों को बचा भी लिया गया है। वहीं काफी संख्या में लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के थार में दर्दनाक हादसा, 50 यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, रेलिंग तोड़ नर्मदा में समाई बस, हादसे में 13 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद खलघाट में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 55 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक कई लोगों को बचा लिया गया है। वहीं काफी संख्या में लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल नर्मदा नदी में पानी का बहाव तेज होने के चलते ऐसे में कुछ लोगों के डूबने की भी आशंका है। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। यह हादसा सुबह 10 और 10:15 के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि खलघाट में 2-लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट के स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की। वहीं कुछ लोगों ने अपनी नाव से शवों को बाहर निकाला। यह हादसा आगरा मुंबई हाईवे पर हुआ। ये रोड इंदौर से महाराष्ट्र को जोड़ता है। जिस संजय सेतु पुल से बस गिरी वो 2 जिलों धार और खरगोन की सीमा पर बना। पुल का आधा हिस्सा खलघाट और आधा हिस्सा खरगोन में। बताया जाता है कि बस सुबह 9 से 9:15 के बीच खलघाट से 12 किलोमीटर पहले एक होटल पर रुकी। इसी दौरान 12 से 15 यात्रियों ने चाय नाश्ता किया, बाकी सवारी अंदर बैठी थी। इस हादसे की जानकारी लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैसे ही इस घटना की सूचना मिली वैसे ही प्रशासन सक्रिय हो गया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना हुई। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने सीएम शिंदे से बात की। वहीं इस हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा दुखद है। मेरी संवेदना उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। बता दें कि फिलहाल मौके पर प्रशासन मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है। इस हादसे में महाराष्ट्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग अभी लापता हैं। कुछ लोग अपनों की मौत की खबर सुनकर दुखी, तो कई लोग अपने की अभी भी तलाश में जुटे हैं। डेस्क रिपोर्ट। तो खलघाट में नर्मदा नदी में ये बस हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे पर सीएम शिवराज ने भी दुख जताया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना हो गई। इसके बाद बस को निकाल लिया गया। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। बस तो निकाल ली लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके।
अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं, अभी बचाव कार्य जारी है। जो शव मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था तो वो भी दुर्घटनास्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म इमरजेंसी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि फिल्म मेकर पहले कांग्रेस को फिल्म दिखाएं उसके बाद रिलीज करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। साथ ही ये भी कहा कि फिल्म में इंदिरा गांधी की छवि को तोड़ मरोड़ कर खराब भी किया जा सकता है। देखिए, इमरजेंसी फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है और उस पर अभिनेत्री कंगना रनौत रोल कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का। तो हमें ये आपत्ति है कि जो कंगना रनौत है वो बीजेपी की एजेंट है और वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का रोल कर रही है। इस पर हमें आपत्ति इस बात की है कि जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो पहले फिल्म हमें दिखाएं, क्योंकि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को किस तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया है ये हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिल्म लॉन्च होना चाहिए, इस बात की आपत्ति कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक पुलिस अधिकारी ने अपने पिता को सड़क हादसे में खो दिया था और अपने पिता की पुण्यतिथि पर लोगों को हेलमेट बांटे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना हेलमेट वाले लोगों को समझाया। अखिलेश कुशवाहा रीवा यातायात थाने में तैनात सूबेदार हैं, जिनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता की मौत से दुखी सूबेदार ने हेलमेट अभियान चलाया। दरअसल जब मौत हुई उस दौरान उनके पिता ने हेलमेट नहीं पहना था।